वसुंधरा के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह के ऑफिस पर पथराव, बहुमत के बावजूद प्रमुख चुनाव में हार के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा, ऑफिस और गाड़ियों में की तोड़फोड़। बहुमत के बावजूद 12 जिला परिषद में भाजपा अपना जिला प्रमुख नहीं बना पाई। इससे आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह के ऑफिस पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। जिला कलेक्ट्रेट परिसर से कांग्रेस के जिला प्रमुख बनने की घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ता भड़क उठे। गुस्साए कार्यकर्ता पास मौजूद सांसद ऑफिस पर पहुंच गए। नारेबाजी करने के बाद कार्यकर्ताओं ने सांसद ऑफिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। यहां रखी कुर्सियां, गमले सब तोड़ डाला। पत्थर से सांसद ऑफिस के कांच भी टूट गए। यहां बाहर खड़ी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। मौके पर एसपी सहित पुलिस आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर भगाया गया। यहां मौजूद कुछ लोगों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं पर मिलीभगत करने का आरोप लगाया। फिलहाल मामले में सांसद ऑफिस पर पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम कर दी है।